ज्यादा लेंथी मीटिंग नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी जिसके लिए मैंने बुलाया है। जल्दी से जरा अपनी टीम को इन्फॉर्म कीजिएगा, 2, 4, 6 जितने भी आपकी टीम के लोग हैं थोड़ा जल्दी बुलाइएगा, ठीक है? हम थोड़ा जल्दी मीटिंग को ना एंड करेंगे। और ये यूट्यूब पे लाइव नहीं होगा, इसलिए हर बंदे को कहें कि भाई अगर सुनना है तो इधर आ जाए जल्दी से। चलिए सुबह से एक इशू आ रहा है, मैं अक्सर लोगों का सुन भी रहा था जितने भी लोग यहाँ पे आके बैठे हैं। दो तरीके होते हैं बंदे को ज्वाइन करवाने के। पहला तरीका ये होता है कि जब बंदा आता है उसने कहा मैंने ज्वाइनिंग करनी है, तो उसका क्या तरीका है कि सबसे पहले आपने उस बंदे से पूछना है कि आपका बाइनांस का अकाउंट है। अगर बंदा कहे कि बाइनांस का अकाउंट है तो ठीक है, अक्सर लोगों के पास नहीं होता। मॉर्निंग सेशन में जितने भी लोग मीटिंग में बैठे हैं, मीटिंग के बाद बाइनांस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना और आराम से बैठ जाना। सुबह के मॉर्निंग सेशन में आप लोगों का मैं बाइनांस का अकाउंट बनवाऊंगा और वेरीफाई करवाऊंगा। क्या करूंगा? बाइनांस का अकाउंट बना के वेरीफाई करेंगे सुबह की मीटिंग में। उससे अगले दिन आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपने डॉलर किस तरीके से बाय करने हैं, किस तरीके से सेल करने हैं। और दो दिन के बाद हर एक लीडर खुद बाय करेगा, खुद सेल करेगा, खुद बाय करेगा, खुद सेल करेगा। आगे मेरी बात की समझ? कोई मुझसे नहीं लेगा, कोई उससे नहीं लेगा, कोई उससे नहीं लेगा। चलिए, इस चीज की ट्रेनिंग हम सबसे पहले आप लोगों को देंगे। लेकिन अगर आपके पास एक न्यू बंदा आता है, वो आके कहता है सर जी मैंने ज्वाइनिंग करनी है, तो क्या करना होगा? आप लोग ना ग्रुप में बच्चों की तरह हरकतें ऐसे करते हैं जैसे आप लोगों को कोई पता ही नहीं है। मैं ग्रुप में देख रहा था, लोग पता क्या कह रहे हैं, बंदा तो रजामंद हो गया, ज्वाइन कैसे करवाना है? बंदा इसे पूछे कि आपको क्या खरीद के लेके आए थे? आपको भी तो इसीलिए हमने ज्वाइन करवाया था, जिस तरीके से आप ज्वाइन हुए हैं इसी तरीके से तो बंदे को ज्वाइन करवाना है। सबसे पहले बंदा आया, उसको आपने कहना है कि डियर ट्रस्ट वैलेट और गूगल मीट प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल करो। उसने कहा कर लिया, उसने कहा कर लिया। अब आपने क्या कहना है कि ये वाली वीडियो और ये सेंड कर देना है। फारसेज बीयूएसटी में ज्वाइनिंग के लिए सबसे पहले ट्रस्ट वैलेट क्रिएट होता है। ट्रस्ट वैलेट क्रिएट करने का तरीका, आगे मेरी बात की समझ? आप क्या कहते हैं, करते हैं वीडियो सेंड कर देते हैं, वो बेचारा बैठ के देखता रहता है पता नहीं किसकी वीडियो सेंड कर दी है। ऐसा नहीं करना, हेडिंग दे के उसको सेंड करें न्यू आने वाले बंदे को। अब 2 मिनट की वीडियो है ये, तो दोस्तों इसको वो देखेगा, ठीक है? ये देखिए, लास्ट पे बन जाएगा, ये देखिए। ओके, तो सबसे पहले ये है, आप देखें 2 मिनट की वीडियो है, आपने क्या किया? उसका टाइम जाया नहीं किया, अपना नहीं किया। 2, 4, 6 लोग जो आए हैं उनको आपने ये सेंड किया। पहला काम उनसे ट्रस्ट वैलेट और गूगल मीट इंस्टॉल करवाना है। अगर गूगल मीट नहीं भी इंस्टॉल करवाना तो सिर्फ ट्रस्ट वैलेट इंस्टॉल करवाना है। आगे मेरी बात की समझ? उसके बाद ये वीडियो सेंड करनी है और उसको कहना है भाई साहब ये जरा देख के ना 2 मिनट की वीडियो है, ट्रस्ट वैलेट बना ले। और साथ आपने ये भी कहना है कि अपनी मिनिमोनिक चीज कहीं लिख के रख लेना, गुम ना हो जाए। अच्छा, वो बंदा आपको 2 मिनट 5 मिनट के बाद कहेगा आप अपना काम कर रहे हैं, आप उसको नहीं छेड़ रहे, आप अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, वो बंदा कहेगा सर जी मैंने ट्रस्ट वैलेट इंस्टॉल कर लिया, अब मैं क्या करूं? अब उसको कहना है दोस्त ये देखो BUSD और BNB का लिंक कॉपी करने का तरीका।
उसको कहना है प्यारे भाई ये देखो 1 मिनट और 20 सेकंड की वीडियो है, ठीक है। अब ये देखिए उसको कहना है कि भाई जल्दी से 2 मिनट के बाद उसको ये सेंड करें और उसको कहो कि भाई लिंक कॉपी करके मुझे सेंड करो। वो कहेगा ठीक है भाई, 2 मिनट की नहीं 1 मिनट की वीडियो है, वो इसको देखने के बाद दोस्तों आपको लिंक कॉपी करके सेंड कर देगा। किस तरीके का लिंक, ये देखो आपके सामने, ये देखो सेंड कर दिया अभी। मैं थोड़ा सा आपको बैक पे ले जाके दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ आ रहा है और यहाँ इसने सेंड कर दिया, ठीक है। पेस्ट करके ये देखे सेंड कर दिया। अच्छा ये तरीका हो गया जब आपके पास लिंक आ गया। कितना मुश्किल काम है, बहुत आसान है। आने वाले बंदे को आपने इतना कहा भाई ट्रस्ट वैलेट और इंस्टॉल कर लो, उसने कहा कर लिया। वो आपने वीडियो दी कि भाई ट्रस्ट वैलेट बना लो, उसने कहा भाई बना ली, बहुत आसान तरीका है। तीसरे नंबर पे आपने छोटा सा क्लिप दिया कि अपना लिंक कॉपी करके सेंड करो, जिस तरीके से ये लिंक सेंड किया है आपने इसी लिंक को करना है कॉपी और उसको डॉलर भेज देने हैं। क्या करना है, लिंक कॉपी करके डॉलर भेज देने हैं। अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझसे ले लें। आप कहें सर ये लिंक सेंड कर रहा हूँ, ये पेमेंट आ रही है आपके पास, जल्दी से डॉलर इस पे सेंड कर दें। इतना काम करने के बाद तीसरा प्रोसेस है फारसेज BUSD की रजिस्ट्रेशन का तरीका। यहाँ पे उस बंदे को अपनी ID सेंड करें और अपना पर्सनल लिंक सेंड करें कॉपी करके, और ये वीडियो सेंड कर दें और उसे कहो भाई इसको देख कर रजिस्ट्रेशन करो और मैं फिर आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ। इतना सा काम है और आप सुबह से शोर मचाए जा रहे हैं सर जी, ये बस इतना काम है, काम कंप्लीट हो चुका है जी, बंदे को ज्वाइन करवाने का काम कंप्लीट, और ये वाली चीजें मैंने आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दी हैं। इतना आसान तरीका है, बहुत इजी तरीका है। ये था तरीका बंदे को कैसे आपने ज्वाइन करवाना है। अगली बात दोस्त क्या है, इससे अच्छी बात जो है वो मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ, वो अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। फर्ज करें आपके पास एक बंदा आता है, उसको सबसे पहले ये वीडियो सेंड करें और उसको कहें ट्रस्ट वैलेट बना ले। जो ही वो बंदा ट्रस्ट वैलेट बना लेगा दोस्त, उसके बाद आप उसको गूगल मीट का लिंक दो और चले जाओ मीटिंग में। यार हर बंदा इतना तो कर ही सकता है ना, अपना अपना बंदा ज्वाइन करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते, करवा सकते हो ना। अच्छा आपको तो तरीकेकार का सारा पता है ना, मुश्किल तो नहीं है। आपने मीटिंग में चले जाना है और उसको कहना है लो भाई जरा लिंक कॉपी करके मुझे भेजो, मीटिंग के दौरान कहना है, मीटिंग के दौरान ही कहना है। और हर बंदा अपने पास ना कोई 10-12-15 डॉलर रख लिया करो, कुछ नहीं होता, आपने अपनी टीमें चलानी है। अगले बंदे को 10 डॉलर, ठीक है। आप देखें उसका एक ये तरीका है कि आप मुझसे जब डॉलर लेते हैं तो आप अपने वैलेट में रख सकते हैं। अब उस बंदे को मीटिंग में जाके उसके अकाउंट में डॉलर सेंड करने के बाद उसको कहना ये मेरा लिंक कॉपी करो, लिंक कॉपी करने के बाद उसे कहना पेस्ट करो, पेस्ट करने के बाद ऊपर अपलाइन ID देखनी है, बिल्कुल सही है। वो कहेगा बिल्कुल जी अपलाइन ID ठीक है, बस उसकी रजिस्ट्रेशन करवा देनी है। 2 मिनट का काम है, ये सीखने सिखाने से होगा, मॉर्निंग सेशन में आप लोगों को सिखाया जाएगा। लेकिन जल्दी से आपको जो मैंने अहम बात बतानी है वो जरा मैं बता दूं, अभी हमारी यही डिस्कशन हो रही थी। देखें पाकिस्तान के अंदर ना, मैं आपको बताता हूँ मेरी हिम्मत है, ये मेरी बहुत बड़ी हिम्मत है कि पाकिस्तान के अंदर पंगा ले बैठा हूँ। यकीन करें पाकिस्तान नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से दूर था। पाकिस्तानी लोग, हम सब ने आज तक जिन कंपनियों में नेटवर्किंग की थी वहां था पकड़ो बंदा जोड़ो, पकड़ो बंदा जोड़ो, पागलों की तरह 200 लो 300 लो। मेरे दोस्त वो आसान था, फारसेज इतना आसान तरीका नहीं है, यहाँ पे सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। क्योंकि मेरे दोस्त ये क्रिप्टो करेंसी में आता है जिसमें आपको बाइनांस यूज करना पड़ता है। अगर सादा सादा सिस्टम होता तो हर बंदे को आसान लगता, लेकिन पैसा बहुत है, लेकिन सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। ट्रस्ट वैलेट क्या है ना, आने वाले न्यू बंदे को थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप कहते हैं कि ये जो मॉर्निंग सेशन है यार इसकी क्या अहमियत है, इसमें क्या बताएंगे, सोए रहते हैं सारा दिन। मेरे दोस्त आप नहीं समझते, आप लोगों की टीमें चलनी है, मेरी नहीं। मैं तो जो कमा रहा हूँ वो कमाता ही रहूंगा, लेकिन समझो इस चीज को पिक करो। मॉर्निंग सेशन में आपका कल को जो ज्वाइन हुआ है बंदा, वो आके जो मॉर्निंग सेशन में सीखेगा वो आपका सर नहीं खाएगा, वो आपकी दिमाग खर्ची नहीं करेगा, हर चीज तो उसको मॉर्निंग सेशन में मिल जाएगी। इसलिए आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सर, अपनी अपनी टीमों को एक्टिव करें और मॉर्निंग सेशन में आना स्टार्ट कर दें। हमने मॉर्निंग सेशन को अच्छे तरीके से साथ लेके चलना है।
लेकिन जल्दी से ऐसा करें, मैं यहाँ से कुछ लोगों से राय लूंगा। ओके, यहाँ पे चले, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, ठीक है ना, और जिससे मैं पूछूं एक्टिव हो जाएं, ये सोए ना रहा करें प्लीज। गुलफाम भाई, सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, सर अपना माइक ऑन करके बताइएगा जो मैं पूछूंगा सवाल, आपकी आपकी राय मैंने लेनी है, ठीक है? जी सर। अच्छा गुलफाम भाई, ये बताइएगा कि सर जो मेरा एक आइडिया है वो ये है कि हमारा सेशन जो है ना, सुबह जो मॉर्निंग सेशन है ना, वो होना चाहिए सीखने सिखाने का, ठीक है? उसके बाद दिन में 2 बजे भी होना चाहिए सीखने सिखाने का, जो टीम बन गई है उसी को तैयार करने का, और न्यू मेंबर के लिए बस एक ही सेशन होना चाहिए रात को। सर आप एग्री हैं? आपको अच्छा लग रहा है ये चीज? सर जी मेरा तो ख्याल है मॉर्निंग सेशन तो हमारा होना ही चाहिए, ठीक है, ज्वाइंट मेंबर का, और जो न्यू मेंबर का सेशन है वो 2 बजे वाला बेस्ट सेशन है सर जी, वो टाइमिंग बड़ी फिट है। अच्छा आप कहते हैं कि मॉर्निंग सेशन तो होगा ही होगा, उसमें सीखने सिखाने वाला हो जाएगा, आप ये कहते हैं कि न्यू मेंबर के लिए 2 बजे वाला भी होना चाहिए और रात को भी होना चाहिए? रात को भी हो सर जी, लेकिन 2 बजे वाले टाइमिंग बड़ा बेहतरीन है। अच्छा चलिए, मैंने लिंक दी थी, मेरे न्यू मेंबर आए थे 2 बजे वाली मीटिंग में, आज इंशाल्लाह 7 बजे वाली भी मीटिंग में भी आएंगे वो। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, आपने अपना व्यू दिया जी। ठीक, यहाँ पे टीम ईगल होस्ट शहजाद सर हैं, सर क्या आपका ओपिनियन है? जी सर अस्सलाम वालेकुम। सर पहले नंबर पे तो जो 2 मीटिंग्स हो रही हैं, एक दिन को 2 बजे और एक रात को 7:30 बजे, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें काफी लोग भी ज्वाइन हो जाते हैं और किसी की शिकायत भी नहीं अभी तक आई। और सर जो सुबह वाला है ना, तकरीबन मेरे जितने भी लीडर हैं, A to Z जितने भी लीडर हैं, वो ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इस चीज का आपको भी पता होगा अभी। नहीं नहीं सर, यहीं पे आपकी बात को मैं टोक रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी राय ले रहा हूँ, आपसे तो अलग मैं कभी चला ही नहीं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि दोस्त अगर सुबह ना रखें तो किस टाइम रखें, कि ये देखें ना टीम तो बनती जाएगी, टीम तो बनती, टीम को चलाना भी तो है ना, सिखाना भी तो है। 10 बजे रख लें, 11 बजे रख लें, ये दोनों टाइम ही बेस्ट हैं, ठीक है, क्योंकि रात को तो नहीं हो सकता, क्योंकि रात को न्यू मेंबर, 10 बजे रख लें, 11 बजे रख लें, और इस टाइम हर एक बंदा इजीली ज्वाइन कर सकता है। और इंशाल्लाह मैं ये बात गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप 10 और 11 ये दोनों के कोई भी टाइम रखते हैं तो उस मीटिंग के अंदर भी 100 से ऊपर लोग हुआ करेंगे, और वो भी लीडर्स। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि जो मॉर्निंग सेशन हमने सीखने सिखाने का रखना है वो हम ठीक 10 बजे कंफर्म कर दें? जी 10 बजे कंफर्म कर दें। चले चले ठीक, अच्छी बात है, मुझे पसंद आया सर बिल्कुल। यहाँ पे मेरे सारे भाई हमारे लिए काबिल एहतराम है, शहजाद अहमद सर है, टीम ईगल है ये भी। सर बताइएगा, आपको भी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, सर ये राय अच्छी लगी आपको? जी असलम सर, सर देखें सर शहजाद सर, आप मतलब ना सर शहजाद ने जैसे आपको कहा कि सुबह वाली ट्रेनिंग को ही अटेंड नहीं करता, सर ये हकीकतन बात है, मैं भी सुबह सोया हुआ होता हूँ। बिल्कुल, तो, बिल्कुल सर, जी जी, तो सर बुरा नहीं मानेगा सर, लेकिन ये है कि सर ट्रेनिंग के सर जो टाइमिंग है सर, जो आप लोग डिसाइड करते हैं वो बेस्ट टाइमिंग है, 2 बजे की और 7:30 बजे की। सर उसके अलावा सर जो टाइमिंग है वो मैं चाहूंगा कि सर आप खुद डिसाइड कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सर सुबह वाली टाइमिंग का तो सर आपको सबको पता है कि सब बंदे सोए हुए होते हैं, तो सर मैं अगर आप 4 बजे मैनेज कर सकते हैं, सॉरी 4 कर रहा हूँ सर, अगर आप 7:30 बजे वाली ट्रेनिंग को थोड़ा सा लेट करके 7:30 बजे आप अपनी दूसरी ट्रेनिंग दे दें, और 7:30 के बाद आप 10 से पहले कोई ट्रेनिंग रख लें छोटी मोटी, यानी कोई शॉर्ट। ओके ओके ओके, ठीक है सर, मैं इसके लिए सबका व्यूज ले रहा हूँ कि देखिये यहाँ पे, जस्ट एक मिनट, मेरी बहन यहाँ पे बैठी होंगी, हानिया है ना, जिन्होंने मुझे तजवीज दी थी कि सर लाजमी। ओके 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 ओके, ठीक है मेरी बहन, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, कैसा लगा सेशन के 10 बजे अगर हम रख लें वो भी टाइम? आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, ठीक है, सुबह लोगों का सोने का भी मसला होता है, और हाउस वाइफ के लिए होते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं या सो प्रॉब्लम्स होती हैं, 10 बजे ये सारे काम से फारिग हुए होते हैं तो हम लोग आराम से सेशन ले सकते हैं, और वो जो 7:30 वाले वाला सेशन है वो थोड़ा सा लेट करके हम अगर मगरिब से पहले जैसे 4-5 बजे भी हम लोग किसी ले सकते हैं सेशन। अच्छा अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि 10 वाला तो कंफर्म हो गया लर्निंग सेशन है ना, टेक्निकल सेशन वो तो 10 बजे हो गया, उसके बाद 2 बजे हो गया न्यू मेंबरान के लिए। जी अच्छा, आप कह रही हैं कि रात वाला जो सेशन है वो इसका टाइम हो जाए तकरीबन?
अगर ये लोग कह रहे हैं ना कि हमें न्यू मेंबर्स के 2 सेशंस चाहिए न्यू टीम बनाने के लिए, अब देखें टीम बनानी है उनको सिखाना भी है, ठीक है, टीम बना के हम लोग ऐसे साइट पे नहीं डाल सकते, उसमें इनको ये है कि 2 सेशन आप वो दे दें, एक सुबह जो मॉर्निंग वाला सेशन है वो ही अगर हम रिपीट किसी टाइम रख लें, ताकि कुछ लोग सुबह में ले सकें और कुछ शाम में, मतलब जैसे 2 सेशंस हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं होता, 1 घंटा अगर अपने लिए आप लोग निकाल लें तो, हमने क्योंकि सीखना है पैसा कमाना है तो 1 घंटा कोई मुश्किल नहीं है, मतलब रिपीट सेशन रख लेते हैं हम लोग, जो चीज सुबह आप लोग लर्निंग में सिखाते हैं वही आप शाम में भी सिखा दें, जो लोग सुबह सोए होते हैं या किसी का भी कोई इशू है वो शाम में ले लें मीटिंग। हाँ ठीक है, इस तरीके से भी ठीक है। बाकी मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों की मैंने तजवीज सुनी, लोग दरअसल ये चाह रहे हैं कि जो मॉर्निंग सेशन है ना सर वो रखें आप 10 बजे, हाउस वाइफ जो होती हैं वो भी फ्री हो जाती हैं, तो अगर कोई ऑफिस भी चला गया है, कोई स्कूल भी चला गया है तो किसी ना किसी तरीके से वो अटेंड कर लेगा। अच्छा 10 बजे चले वो हो गया, अब दूसरा सेशन होगा हमारा 2 बजे, 2 बजे वाला सेशन जो होगा वो न्यू मेंबरान के लिए होगा, ये भी ठीक हो गया। इसके बाद रात को जो सेशन होगा वो भी न्यू मेंबरान का होगा, लेकिन प्लीज यहाँ पे मैं एक लाजमी बात पूछूंगा कि रात वाला सेशन, मैं सबसे पहले हानिया आपसे पूछूंगा, मेरी बहन ये बताइएगा कि 7:30 बजे आप एक हाउस वाइफ है, आप क्या कर रही होती है, क्या उस टाइम पे आप इजीली ले सकती हैं कि 8 बजे कर दें? मैं दोबारा से आपको अनम्यूट करता हूँ, जी आप अनम्यूट है। सर 7:30 बजे जो तक खाने वगैरह का टाइम होता है, और कुछ लोग जो ऑफिस वर्क करते हैं वो ऑफिस से वापस आते हैं, उनके भी मतलब घर में एंटर होते ही वो मीटिंग में नहीं बैठ सकते, अगर थोड़ा सा जैसे 8 या 8:30 बजे तक उसको हम ले जाएंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा मेरा ख्याल है। चलिए फाइनल फिर 8 कर दे, है ना? जी जी, ताकि ये रिलैक्स भी हो जाए तो हम लोग भी खाने वगैरह से फारिग हो जाए तो मीटिंग अटेंड कर सकेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू। ये देखिए हम सब ने इकट्ठे मिलके चलना है तो हर बंदे से पूछना है, लक्की साहब बताइएगा सर आपकी तजवीज क्या है सर, ये जो कह रहे हैं सही? अस्सलाम वालेकुम, आवाज क्लियर है? जी जी सर, प्रॉपर। जी सर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बाकी उन्होंने तो अपनी अपनी राय दी, वो काफी हद तक अपनी जगह पे बेस्ट है, ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप जस्ट 2 मीटिंग करना है अगर दो तो इस तरह, हाँ जी मॉर्निंग सेशन को छोड़ के आप 2 बजे आ जाए कुछ ले आए, वो हो जाएगा हमारा टीम का, यानी कि जो भी होगा प्रोसेस टीम वाला मेंबर्स के लिए, और एक आप रात तक ले 7:30 या 8 बजे वो हो। मतलब आप कहते हैं, आप कहते हैं कि दिन में हम अपनी टीम को सिखाएं, रात को दिन में जो भी मेंबरान जिनसे टीम नहीं बन रही वो क्या करें कि सारा दिन लोगों को प्लान दिखाएं, लोगों से बातें चीतें करें, उसके बाद रात को क्या करें कि वो न्यू मेंबरान की जो मीटिंग का लिंक होगा वो रात वाला सबको दें, दिन में लोग उसी मीटिंग को पिक करें और रात को आके ज्वाइन करके तो वो सीख सिखा लें, यही चीज कह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, दिन को हमारी टीम का हो जाए और रात को न्यू मेंबर्स के लिए, क्योंकि काफी सारे 100% यही होते हैं कि रात को फ्री होते हैं, जो भी आता है वो अक्सर होते हैं ड्यूटी पे या स्कूल कॉलेज होते हैं, रात को वो फ्री होते हैं तो रात को न्यू मेंबर के लिए कर लेते हैं और दिन को जो होगा वो ज्वाइन मेंबर के लिए, इस तरह आप बिजी हो जाएंगे, मतलब कि आप पे हम बिजी। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको सजेशन अच्छी लगी है, चलें। हां ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके अब मैं आपको बताता हूं कि सर ने भी अच्छी तजवीज दी है, माइंड बिल्कुल किसी ने भी नहीं करना, आप मुझे एज ए लीडर समझते हैं या आपकी मोहब्बतें भी हैं। देखें बात बिल्कुल सही है, हर बंदे का माइंड, मैंने पॉइंट ऑफ व्यू लियो, नाराज किसी नहीं होना, मैं किसी का पॉइंट ऑफ व्यू पिक नहीं कर रहा। देखें होगा क्या कि हर बंदा इजी 2 बजे दिन में हम सभी जो टीम बन चुकी है, देखें मेरी बात सुने, टीम बनाना को बड़ी बात नहीं है, हम पागलों की तरह टीम बनाते रहे बनाते रहे, वो बेचारे जैसे आज ग्रुप में रो रहे थे बैठ के, कैसे बनाना है, मेरे पास मेंबर आ गया क्या करूं क्या नहीं, तो उससे बेहतर ये है कि जो टीम हम बनाए उनको हम साथ साथ उनको एक्टिव करते जाएं, उनको सीखते सिखाते जाएं, उनको मोटिवेट करते जाएं, साथ साथ बंदे पैकेज की अहमियत को भी समझें। इसलिए 2 बजे सेशन हुआ करेगा, हमारे जितने भी ज्वाइंट मेंबर हैं जो कल परसों ज्वाइन हुए सबको हम ट्रेन किया करेंगे, उसके बाद जो रात वाली मीटिंग का लिंक है वो आपको सुबह सुबह ही मिल जाया करेगा, हर बंदा जिस बंदे को भी समझाएगा टीच करेगा कुछ सवालों के जवाब रह जाएंगे, तो आप उसको वो मीटिंग का लिंक देने के बाद
आप ये देखें, जो भी आपके पास न्यू बंदा आता है ना, उसको आपने तीन तीन मीटिंगें तो नहीं अटेंड करवानी होती, मीटिंग तो सिर्फ एक ही अटेंड करवानी होती है ना उनके डाउट क्लियर करने के लिए। तो 12 बजे बंदा आया, 7 बजे बंदा आया, आपके पास 1 बजे बंदा आया, जो भी लीडर जब भी आएगा तो आपने उसको रात वाले ही मीटिंग का लिंक सेंड करके कहना है दोस्त आप इजी हो जाओ, फ्री हो जाओ, रात को हमारा सेशन है 8 बजे, अटेंड करना, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। तो मेरे दोस्त रात को 8 बजे वो इजीली अटेंड कर देगा, वो फिर भी आपकी जो है ना आपके साथ ज्वाइनिंग कर लेगा। इस तरीके से हम भी एक्टिव, आप भी, और हम भी इजी, आप भी इजी, है ना। तो ये सबसे बेस्ट है। ठीक है सर, मैं तो यही सजेशन करूंगा हमारा। अब दिन में सबने आना भी है, इस फैसले को किसी ने भी ये नहीं कहना कि सर ने गलत कर दिया, मेरे साथ कोऑपरेट करें। देखिए मेरा मकसद यही होता है कि आप भी कामयाब हो जाएं, मैं भी कामयाब हो जाऊं, इसीलिए तो आपको सबको बुलाता हूं, आप लोगों की राय लेता हूं, है ना। तो अब ये फैसला हुआ है कि मॉर्निंग सेशन में भी लोग नहीं आते थे, चलें ये भी कैंसिल किया। 10 बजे भी कुछ इशू होंगे लोगों के, है ना, चलें ये भी कैंसिल किया। 2 बजे होगा हमारा दिन टाइम, सारे मेंबरान मिल के हर बंदा आएगा, हर बंदा सिखाएगा एक दूसरे को, टीम को जबरदस्त सा सेशन हुआ करेगा 2 बजे, क्योंकि 2 बजे में सारे लोग इसलिए आएंगे क्योंकि हमारे कौन से 10-10 सेशन होने हैं। तो लोग कहेंगे लो जी 10 बजे तो गए थे, अब फिर 2 बजे जाना पड़ेगा, है ना। तो 2 बजे लोग आएंगे इजी होके, उसके बाद हम रात वाला जो मीटिंग का लिंक होगा वो दिन टाइम फॉरवर्ड किया करेंगे, लोगों को दिया करेंगे, और रात को धमाकेदार जरा सेशन हुआ करेगा, हमारी कम्युनिटी इकट्ठी होकर बैठी होगी। इस तरह 2 सेशन रखने से लोग इजी रहेंगे, हर बंदे को अच्छा भी लगेगा। तो आज से ये डन है। आज आप अपने अपने टीमों को भी जाकर बता सकते हैं कि आपको सुबह उठते ही आपको रात का सेशन मिल जाया करेगा, लिंक मिल जाया करेगा, वही लिंक आप उठा के सेंड करें। लेकिन दोस्तों आपको पता है रात 8-8:30 बजे ना हर बंदा सुकून से इजी होता है। जिस बंदे ने दिन टाइम ज्वाइन नहीं भी करना होता ना, वो भी रात को लाजमी ज्वाइन कर लेगा। तो जितने लोग इस चीज के, इस फैसले के साथ रजामंद हैं, मैं जल्दी से क्लियर फीडबैक कर रहा हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज के साथ 100% दिल से रजामंद हैं, वो जरा अपना हैंड रेज कर दें प्लीज। सारे कीजिएगा, अगर अगर सारा चाहते हैं सारे कीजिएगा। देखिए इससे ये होता है ना, मुझे पता चल जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं कहूंगा नहीं यार ये ना, फिर मैं कंफ्यूजन होंगे। जी जी अच्छा, सारे रजामंद है। अच्छा कुछ नहीं भी रजामंद, कुछ नहीं रजामंद तो क्यों नहीं रजामंद, अगर हैं तो जल्दी से हैंड रेज कीजिएगा प्लीज। इससे होता क्या है कि मैं इजी हो जाऊंगा ना, ये बड़ी हंसी आ रही है एक को, जल्दी कीजिएगा जल्दी। दिल तो कर रहा है आपका माइक अनम्यूट करूं और आपसे पूछूं किस चीज की हंसी आ रही है आपको। अच्छा अच्छा पूछता हूँ आपसे, लेफ्ट ना कर जाना मीटिंग। अच्छा हाँ ठीक है चले। सभी लोगों ने माशाल्लाह यही कहा है कि सर हम इस फैसले के साथ बिल्कुल एग्री हैं, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, अगर कोई बंदा इस फैसले के साथ एग्री नहीं है तो एग्री हो जाए, पता क्या है मेरी बात सुने, इससे पता क्या होगा, मैंने आपकी बात मान ली कि कुछ लोग जो दिन में आएंगे वो कहेंगे जी जी सर आप हमें मीटिंग अटेंड करवाएं, आप उनको लिंक सेंड कर देना, रात को होनी है मीटिंग, वो हम अटेंड करवा लेंगे। एक तो हो ना कि रात को होनी नहीं है, तो इस फैसले के साथ मुझे लगता है सबको एग्री होना चाहिए। चलें ठीक है अच्छा जो नहीं एग्री जरा मैं उनसे पूछ लूं, जस्ट एक मिनट, क्योंकि मैंने सबके साथ चलना है, मुझे आप सभी अहम हैं। चले यहाँ पे टीम इगल सर, शहजाद साहब आप बताइएगा प्लीज, आपको अनम्यूट किया सर, बताइएगा। जी सर देखें मैं इसीलिए एग्री नहीं हूँ क्योंकि देखें सर न्यू मेंबर्स जो होते हैं ना जिन्होंने ज्वाइन करना होता है, मैं समझता हूँ ज्वाइन किया हुआ बंदा और जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जिसने ज्वाइन किया होता है उसने काम करना ही करना है, उसकी मजबूरी है, और जिसने ज्वाइन अभी तक नहीं किया उसको ज्वाइन करवाना हमारी मजबूरी है। तो सर अब आप खुद ये थोड़ी डोंट माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन जो चीज मुझे बेहतर लगी, तकरीबन यहाँ पे 100 बंदे ने हाथ खड़ा किया लेकिन मैंने नहीं किया, उसकी मेन वजह सर ये है कि सर देखें यहाँ पे हमारी 2 मीटिंग्स जब तक न्यू मेंबर्स की नहीं होंगी न्यू मेंबर्स एग्री नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सर चीज ये आ जाती है, आपकी बात ठीक है, आप एक ट्रेनिंग दे दीजिएगा वो इशू नहीं है, ठीक है, एक ट्रेनिंग मैं खुद दे लूंगा, लेकिन सर चीज जो आ जाती है ना न्यू मेंबर्स को एग्री करना हमारा मेन मकसद वो है। आपकी वो बात भी ठीक है कि जो लीडर्स होते हैं यानी कि जिन्होंने ज्वाइन किया होता है उनको भी आगे गाइड करना वो भी चीज ठीक है, हर लीडर्स अपनी टीम को वैसे ग्रुपों में भी गाइड कर सकता है, ठीक है, वो चीज बंदा एक्स्ट्रा भी उनको गाइड कर सकता है,
लेकिन सर चीज आ जाती है न्यू मेंबर्स के लिए दो मीटिंग होनी चाहिए, तो वो टाइम भी बेस्ट था न्यू मेंबर्स के लिए, यानी कि जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, दो ट्रेनिंग उनके लिए जो हो रही थी ना बड़ी बेस्ट हो रही थी और उनका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। यानी कि जहां पे मेरे मेंबर्स चीख रहे थे कि सर ज्वाइनिंग नहीं हो रही, तकरीबन दो दिन हो गए हैं कोई मेंबर आके नहीं बोला, उसकी वजह ये है कि जो ट्रेनिंग थी ना दो बहुत बेस्ट हो रही थी। तो लीडर आप ये कहते हैं, जी जी बिल्कुल, देखें आप ये कहते हैं कि सर दिन में हमारी मीटिंग 2 बजे होनी चाहिए न्यू के लिए, रात को भी न्यू के लिए, बस अब जो कंफ्यूजन है सर वो बताइएगा, फिर हमारे जो न्यू हैं कमर सॉरी ज्वाइंट मेंबर हैं उनकी कब होनी चाहिए, क्या टाइम होना चाहिए? सर देखें जो लीडर्स होते हैं ना, यानी कि जिन्होंने ज्वाइन किया होता है, उनके लिए कोई भी ट्रेनिंग रख दी जाए ना वो जबरदस्ती ट्रेनिंग लेंगे, वो जबरदस्ती सुनेंगे कि यार मुझे ट्रेनिंग दी जाए मैं सुनूं कि मैंने काम कैसे करना है। सर उनके लिए फिक्स रखना पड़ेगा ना, वो भी फिक्स करना पड़ेगा, 11 बजे रख दें, सुबह 11 बजे रख दें बेस्ट है, 11 बजे सभी ऑनलाइन भी होते हैं, जो भी लीडर्स होगा ऑनलाइन भी होगा और इंशाल्लाह वो ट्रेनिंग को सुनेगा भी। मैं 100% इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि जिस बंदे ने ज्वाइन किया होगा वो 11 बजे वाली मीटिंग लाजमी अटेंड करेगा, अगर वो 11 बजे वाली मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया तो वो यूट्यूब पे जाके अच्छे तरीके से सुन लेगा और वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। चलिए ठीक है सर, देखें मैं वो लीडर नहीं हूँ कि मैंने हर तरीके से हर बंदे का जो है ना क्वेश्चन सुनना होता है, चलें ठीक है। अब आपने सर ने जो एक दफा क्लियर फीडबैक कर रहा हूँ, दोबारा से मैं एक सवाल पूछूंगा उसके बाद मीटिंग को एंड करेंगे। सर ने ये कहा है कि दोस्तों आप सभी सुन रहे हैं ये कि अब फैसला ये है कि दिन में 11 बजे सारे जो भी ज्वाइंट मेंबर होंगे उनको सिखाया जाया करेगा, है ना, हर तरीके से टीच किया जाया करेगा 1 घंटा, उसके बाद 12 बज जाएंगे, हर बंदा ईजी हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, तो 2 बजे हर बंदा अपने न्यू मेंबरान को लेके खुद भी और न्यू मेंबरान के लिए मीटिंग में आएगा। तो 11 बजे हो गया टेक्निकल सेशन लर्निंग, 2 बजे हो गया न्यू मेंबरान का, इसके अलावा रात को हो गया 8 बजे भी न्यू मेंबरान का। कितने लोग इस चीज के साथ रजामंद हैं और उसके बाद हम इसको डन कर देते हैं? सही है, चले ठीक है, ओके 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 ठीक है सर। शहजाद सभी रजामंद हैं और सभी ने कह दिया है कि ओके है, तो चले ठीक है। जो मैं चीज समझता हूँ, जो चीज मेरे माइंड में आती है, मैंने आपको सिर्फ वही शेयर की, बाकी जैसे आपको सही लगेगा इंशाल्लाह वो कर लेंगे। मैं आपकी बात को गलत नहीं समझ रहा, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो चीज मेरे माइंड में थी वो मैंने आपको शेयर कर दी, क्योंकि मेरे ख्याल से लीडर से ज्यादा हमें न्यू मेंबर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि लीडर्स जो होगा ना वो खुद मीटिंग आके सुनेगा और जो मेंबर्स होगा उसे हमने खींच के लाना है। अगर उसे खींच के लाना है तो वो मीटिंग्स 2 रखनी लाजमी हो जाएंगी, क्योंकि वो बंदा अगर 1 मीटिंग होगी तो वो फिर आपके सामने ही होगा सब कुछ। हाँ बिल्कुल, ये भी है, ठीक है। अच्छा चलिए एक और भी बात मैं आपको बताता चलूं और इसी के साथ हम डन करेंगे। देखिए कुछ लोगों का ना मुझे सवाल आए थे कि सर कभी आप 3 बजे मीटिंग रखते हैं ना दिन वाली 3 बजे, वो सबसे बेस्ट है। जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, उन्होंने कहा कि सर आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी टीचर हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाती हैं फारसी के साथ साथ, तो वो उनका कहना है कि हम 2:30 बजे घर पहुंचती हैं, तो 3 बजे वाला टाइम तो बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो सर शहजाद क्या कहते हैं कि 11 बजे भी बेस्ट है? 3 बजे भी बेस्ट है। ओके सर, ये जो टाइम हो गया बस डन हो गया, 3 बजे रात को 8 बजे और 11 बजे लर्निंग सेशन, सर इस पे डन करें? जी सर, रात को 7:30 बजे बेस्ट है, रात को 7:30 और दिन को 3 बजे और सुबह 11 बजे लर्निंग। चले ठीक है, इस चीज को डन करते हैं। ओके चले ठीक है, और 11 बजे जो सेशन हुआ करेगा उसमें 7 दिन हफ्ते में होते हैं, तो जी जी हम हर दिन टॉपिक चेंज किया करेंगे। एक दिन टॉपिक अगर रखा है कि बाइनांस पे काम कैसे करना है तो दोस्तों वो आपको सिखाया करेंगे, एक दिन हुआ करेगा टीम कैसे बनानी है, एक दिन आपको पैकेज अपग्रेडेशन क्यों जरूरी है, हर दिन टॉपिक चेंज होगा, सारे लीडर इकट्ठे मिलके आया करेंगे और इंशाल्लाह यही जो है हमारा जो रख दिया गया है अब यही चलेगा, चेंज होने वाला नहीं है। अगर चेंज करना भी हुआ तो दोबारा से आप सबको इस तरीके से बुला के आपकी राय ली जाएगी, क्योंकि मैं अकेला कभी भी नहीं कुछ, ना मैं अकेला कामयाब, ना मैं अकेला नाकाम, आप लोग मेरे साथ हैं तभी हम कामयाब हैं। इस मीटिंग में बैठा हुआ हर बंदा मेरे लिए काबिले इज्जत है, काबिले एहतराम है, मेरे दोस्तों मैं आप लोगों के साथ हूँ, हम सब मिल के, मैं तो यही चाहता हूँ हर दिन पहले दिन से ही कि सारे मिल के ही काम करते हैं। और यहाँ पे एक मीटिंग में बैठा हुआ एक बंदा था, मुझे समझ नहीं आती कि सर ये कौन था, लेकिन इसे हंसी बहुत आती है, तो क्या ख्याल है इससे हंसी की वजह पूछनी चाहिए? चलें ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों ने टाइम दिया।
इसको मीटिंग को इसी जगह पे हम करते हैं, तो मिलते हैं सुबह के मॉर्निंग सेशन में जो कि अब 11 बजे हुआ करेगा, ठीक है? तो उसको लाजमी आप लोग सभी ने अटेंड करना है। बाकी रात की मीटिंग का लिंक आप लोगों को